हाँ ब्रबारी आम सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रॉयटिंग के बारे में और रॉयटिंग क्या होता है दंगे करना तो रॉयटिंग हम देखेंगे उसके बाद हम एफरे के बारे में जानेंगे वो क्या होता है फिर एफरे असॉल्ट और रॉयटिंग इन सब के बीच में डिफरेंस क्या रहता है ये भी हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी छोटी सी होने वाली है तो सबसे पहले हम रॉइटिंग देखते हैं उसका क्या मतलब रहता है अन अकेडमी पर स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल ऑफर आया है अगर आप सिक्स मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो वन मंथ का सब्सक्रिप्शन एप्सुलटली फ्री और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ टू मंथ 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ थ्री मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री एंड 24 मंथ के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको फोर मंथ का सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शनुटली फ्री मिलता है लेकिन ये ऑफर सिर्फ ट्वेंटी ऑफ मार्च तक ही वैलिड है सो आप गो फॉर एट लेट्स क्रैक पी सी एस जे विद अन अकेडमी आज ही अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और डब्ल्यू ओ एल टेन मेरा रेफरल कोड है इससे आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा अन अकेडमी पर जुडिशरी मेन्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है सो डोंट मिस द चांस एम पी जुडिशियल सर्विसेज के लिए बैच ऑलरेडी स्टार्ट किया जा चुका है आज ही एनरोल करवाइए अन अकेडमी पर डेली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉग हो सके वन एंड वन लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे आप अपने मेंटर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं डिस्कशन कर सकते हैं प्राइस प्लानिंग यहां दिया गया है और अगर आप मेरा रेफरल कोड डब्ल्यू ओ एल टेन यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन के टाइम पर तो आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा अन अकेडमी यूट्यूब पर भी है और टेलीग्राम पर है तो आज ही देखिए डोंट मिस द चांस राइटिंग सेक्शन 146 में जो है डेफिनेशन बताई गई है रॉयटिंग होता क्या है और सेक्शन 147 उसकी पनिशमेंट के बारे में है तो दो ही सेक्शन डील करते हैं 146 और 147 फोर्टी यहाँ पर मैंने सेक्शन 146 के इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं चाहे तो आप सेक्शन पढ़ लीजिए बहुत सिंपल है तीन लाइन का वो डेफिनेशन वाला सेक्शन रहता है तो उसके ही इन्ग्रीडियट मैंने यहाँ लिखे हैं जिसको वन बाय वन देखते हैं देखिए फर्स्ट है देट द एक्यूज पर्सन फाइव और मोर इन नंबर फॉर्म्ड एन अनलॉफुल असेंबली तो आपने जो सेक्शन 141 के अंदर जो अनलॉफुल असेंबली पढ़ी है तो वही अनलॉफुल असेंबली यहाँ पर है अगर किसी को नहीं पता है अनलॉफुल असेंबली क्या होती है तो उस पर मेरी वीडियो है और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है उस पर भी मेरी वीडियो है और कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में डिफ्रेंस क्या होता है उसको भी मैंने एक बार एक्सप्लेन किया है तो वो भी आप देख लीजिए इन सब के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप देख लेना सो so, जो आप अनलॉफुल असेंबली का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है जिसमें मिनिमम पाँच लोग पाँच या पाँच से ज़्यादा लोग जब इकट्ठे होते हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली होती है वही चीज़ यहाँ बताई गई है दैट द एक्यूज पर्सन फाइव और मोर इन नंबर्स फॉर्मड एन अनलॉफुल असेंबली तो वो पाँच या पाँच से ज़्यादा लोग जो अनलॉफुल असेंबली फॉर्म कर रहे हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर एक मेन इंग्रेडिएंट है उसके बाद देखिए कॉमन ऑब्जेक्ट अब वो जो असेंबली जो इकट्ठी हो गई है उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो सेक्शन 149 में डिस्कस किया गया है इसको दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ ओके सो उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए फोर्स और वॉयलेंस तो उन अनलॉफुल असेंबली के द्वारा जिसका एक कॉमन ऑब्जेक्ट है उनके द्वारा फोर्स या वॉयलेंस का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है तभी वो रॉयटिंग के अंदर कन्वर्ट होता है अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है तो वो सिर्फ अनलॉफुल असेंबली ही बन के रह जाता है ओके okay? so, तो सो फोर्स और वॉयलेंस वॉज यूज बाय द अनलॉफुल असेंबली तो उस अनलॉफुल असेंबली के द्वारा फ़ोर्स और वॉयलेंस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और एनी मेंबर ऑफ इट इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट अब वहाँ ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो कॉमन जो अनलॉफुल असेंबली का जो मेंबर है हर एक व्यक्ति के द्वारा वॉयलेंस या फोर्स का इस्तेमाल हो रहा। अगर उनमें से उन लोगों ने अगर एक कॉमन ऑब्जेक्ट शेयर किया है और उनमें से अगर कोई भी व्यक्ति एनी जो है वॉयलेंस या फोर्स का इस्तेमाल कर देता है अपने कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए तो वहां पर वो अनलॉफुल असेंबली जो है रॉयटिंग के अंदर दंगे के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ओके आगे देखिए इस सेक्शन के अंदर एक एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली जो मैंने यहाँ पर भी लिखी है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट आप देखिए जो उस अनलॉफुल असेंबली ने कॉमन ऑब्जेक्ट जो शेयर किया है और जो वो वॉयलेंस और फोर्स का इस्तेमाल कर रही है तो उस वॉयलेंस या फ़ोर्स का इस्तेमाल उसे अपने कॉमन ऑब्जेक्ट के ही प्रोसिक्यूशन में करना होगा मतलब उसी के फर्दरेंस में उसी टारगेट को अचीव करने के लिए ही करना होगा सपोज़ करिए अगर उस अनलॉफुल असेंबली का कोई ऐसा मेंबर है जिसकी कोई पर्सनल कोई रंजिश है दुश्मनी है किसी से और वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होता है और वो अपना पर्सनली कहीं मौके का फ़ायदा उठाता है और वहीं पर कोई और एक सेपरेट ऑफेंस कमिट कर देता है अपने पर्सनल मोटिव की वजह से जहां पर उसका उस कॉमन ऑब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है तो वहाँ पर जो है उस अनलॉफुल असेंबली का हर एक व्यक्ति लाइबल नहीं होगा उसके उस सेपरेट एक्ट के लिए क्यों क्योंकि वहाँ पर उसने इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट तो जो फोर्स या वॉलेंस का इस्तेमाल किया है वो अपने उस कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में नहीं किया है उसने वो अलग से सेपरेटली किया है तो वहाँ पर पूरी जो है असेंबली लाइबल नहीं होगी उसके एक्ट के लिए एक इसमें दूसरी टर्म यूज़ होती है मतलब टर्म नहीं एक दूसरा सिनेरियो ये देखा जाता है कि फ्री फाइट फ्री फाइट क्या होती है सपोज़ करिए दो, दो दल हैं दो गुट बने हुए हैं अगर वो ओपनली लड़ाई करते हैं एक दूसरे से तो वो फ्री फाइट होती है तो वहाँ पर क्या है अनलॉफुल असेंबली या इस तरह का प्रिंसिपल यूज़ नहीं होता है फ्री फाइट के अंदर हर एक व्यक्ति अपने अपने सेपरेट एक्ट के लिए खुद लायबल होता है वहाँ पर जो है कॉमन uh, इंटेंशन या फिर एक पर्सन की एक्ट की वजह से सभी लोग लायबल नहीं हो पाते हैं फ्री फाइट के अंदर ओके okay. अब इसकी पनिशमेंट देख लीजिए सेक्शन 147 फोर्टी सेवन पनिशमेंट फॉर रॉइटिंग इज गिल्टी ऑफ जो भी व्यक्ति गिल्टी होगा में बी विद ऑफ डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म मे एक्सटेंड टू तो जो भी रोइिंग के लिए लाइबल होगा उसकी जो पनिशमेंट है दो साल तक बढ़ाई जा सकती है मे एक्सटेंड टू और विद फाइन और विद बोथ या फिर उस पर फाइन या फिर फाइन और एम्प्रिजनमेंट दोनों लगाए जा सकते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं एफरे क्या होता एफ्रे, है एफरे एफरे का मतलब होता है नॉइजी क्वारल मतलब जब आप शो शराबा मचाकर लड़ाई झगड़ा करते हो वो एफरे होता है सेक्शन 159 एंड 160 से डील करता है, हुआ है वर्ड से. तो फ्रेंच वर्ड कौन सा था एफरेर जिसका मतलब है टू टेरिफाई इसका मतलब course, जब आप शोर शराबा मचा कर लड़ाई झगड़ा करोगे तो आसपास के लोग तो डरेंगे ना एंड इन लीगल वे इट इज टेकन फॉर अ पब्लिक ऑफेंस टू द टेरर ऑफ द पीपल तो इट्स अ पब्लिक ऑफेंस इसके यहां मैंने इंग्रेडिएंट लिखे हैं बहुत सिंपल है रीडिंग कर लेते हैं टू और मोर पर्सन मस्ट फाइट तो ऑफकोर्स आप अकेले तो नहीं शोर मचाओगे लड़ाई तो अपने आप से कैसे कर सकते हो तो इसके लिए कम से कम दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है दो या दो से ज़्यादा लोग जिनके बीच में लड़ाई हो रही है फ़ाइट हो रही है फाइट मस्ट बी ऑन अ पब्लिक प्लेस और वो फाइट उन लोगों के बीच में एक पब्लिक प्लेस पर होनी चाहिए अगर वो प्राइवेट प्लेस पे हो रहा है तो वो एफरे के अंदर नहीं आता है उसको पब्लिक प्लेस पे होना बहुत ज़रूरी है डिस्टर्ब द पब्लिक पीस और उस लड़ाई झगड़े की वजह से लोगों की शांति भंग हो ये बहुत ज़रूरी है अगर उस लड़ाई झगड़े से किसी पे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है तो वो एफरे नहीं होता सपोज़ करिए जो फ्रेंडली होते हैं जो दोस्त होते हैं जब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वो नॉइज़ तो क्रिएट कर रहे हैं लेकिन अगर किसी को डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है पब्लिक पीस जो है अगर वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो वो एफरे में नहीं आता है तो ये बेसिक तीन चीज़ें होनी चाहिए अब इसकी पनिशमेंट देखिए पनिशमेंट है एक महीने तक का आपको इम्प्रजेंट मिल सकता है और हंड्रेड रुपीज़ तक का इसमें फ़ाइन बताया गया बहुत सिंपल है अब इनका थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं वो क्या है यहाँ देखिए मैंने एक छोटा सा डिफरेंस बताया यहाँ पर एफरे और रॉयटिंग के बीच में क्या डिफरेंस रहता है देखिए एंड एफरे कैन नॉट बी कमिटेड इन अ प्राइवेट प्लेस तो एफरे कभी भी प्राइवेट प्लेस पे कमिट नहीं किया जा सकता है लेकिन रॉयट्स जो है वो प्राइवेट प्लेस पर भी किया जा सकता है ओके सो एफरे टू और मोर पर्सन एफरे के लिए आपको दो या दो से ज़्यादा लोगों, लोगों की ज़रूरत पड़ती है लेकिन रॉइड्स के लिए आपको पाँच या पाँच से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है उस ऑफेंस के लिए दूसरा एफरे और असोल्ट के बीच में क्या डिफरेंस है एफरे जो है पब्लिक प्लेस पर कमिट होता है और असल्ट जो है वो किसी भी प्लेस पे हो सकता है चाहे वो पब्लिक प्लेस हो या प्राइवेट प्लेस हो एफरे जो है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक पीस तो समाज की लोगों की शांति के खिलाफ ये ऑफेंस होता है और असोल्ट जो है इट्स एन ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन ऑफ एन इंडिविजुअल तो वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट कमिट किया जाता है तो ये सारा था आपका एफरे और रॉइट्स के बारे में सो आई होप कि भी आपको वीडियो पसंद आई हो सो so, प्लीज मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसी लगी अच्छी लगी बुरी लगी या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो इस ऑफेंस के रिगार्डिंग तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा लाइक शेयर जरूर करना है एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग